When I saw you first time, मेरी सांसें थमी, वक्त ठहरा और ये लड़का होश में नहीं आएगा. When I saw you first time, लगे जिंदा हुआ आशिक वो पुराना और ये मोक्ष में नहीं जाएगा. When I saw you first time, मैंने ख्वाब देखा, राहों में चलते मैंने तुझे अपने साथ देखा. अंधेरी रातों में इन हाथों में एक हाथ देखा, तारों के नीचे खड़ा मैंने मेरा एक चांद देखा. नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर डूइंग गुड. आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो. गेस हु इज बैक आफ्टर 6 मंथ. किंग इज बैक विद अनदर एल्बम कॉल्ड ख्वाबिदा. उसका फर्स्ट स्नीक पिक कह लो या फिर एक चैप्टर बोल लो, वो हमने देख लिया था. ठीक है, उसमें ही वो सर्चिंग फॉर हिज कहानी, कि मैं अपनी कहानी ढूंढ रहा हूँ. अच्छा था, थोड़ी सी छोटी थी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी वो, कि क्या हो रहा है उसमें, क्या नहीं हो रहा. बट फाइनली द ट्रैक बाजी इज हेयर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. गोरिल्ला बाउंस जब लास्ट एल्बम आई थी उसको शायद 1 साल हो गया उसके पहले गाने को ड्रॉप हुए, एंड दिस इज अनदर एल्बम फ्रॉम किंग. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बड़ा मजा आने वाला है सुन के कि क्या होगा क्या नहीं. फिलहाल सुनते हैं ख्वाबिदा, ट्राई करेंगे डीकोड करने की. लेकिन तुमको पता है मेरा ध्यान ज़्यादातर लिरिक्स पे होता है, कि लिरिक्स कैसी हैं, कितनी टच्ची हैं लिरिक्स, कितना मैं रिलेट कर पा रहा हूँ. एंड किंग इज़ वन ऑफ दोज फ्यू आर्टिस्ट जिससे मैं हमेशा रिलेट करता हूँ, जिसकी लिरिक्स से मैं हमेशा रिलेट करता हूँ. लेट्स सी ये कैसा होने वाला है ट्रैक. थोड़ा सा लेट हूँ मैं, पर इतना चलता है आई गेस. अगर इसलिए भी इसके ऊपर भी तुम भड़के हो तो आई एम सॉरी. चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए गाना सुनते हैं. बाजी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो किंग फ्रॉम द एल्बम ख्वाबिदा. 3, 2, 1 एंड Your love is so contagious. Yeah, baby. Ooh, yeah. Your love is so contagious, contagious. हम तुमसे जब मिले मिलते ही रहे, तुम्हें देख के मुझे लगता है मेरे दिल को एक वो 90s वाइब है थोड़ी सी. जो इस वाइब का ट्रैक आई थिंक इंडिया में बादशाह का सुना था मैंने, और उससे पहले मैंने उसका सुना था यार, भार्गव का कौन सा आर्टिस्ट है, बहस क्या नाम भूल गया मैं, स्टार बॉयज जिसने लिखा है यार, नाम भूल गया यार मैं उसका, वीकेंड, द वीकेंड का. वीकेंड के में मैंने ये थोड़ी सी वाइब सुनी थी. वाइब इन द सेंस जो म्यूजिकैलिटी है वो, कहीं तुम बोलने लगो कि सिमिलर है लिरिक्स और सब, जो फील है वो डिफरेंट है. मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ. ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज भी काफी टाइम बाद होना शुरू किया है. 90s का टच देता है थोड़ा सा, 90s पॉप का टच. तुम तब जाके मिले, लगता नहीं ये सच है या कोई ख्वाब है, मेरा तो फना कर दो और निकल के तू सच में आ जा, इस दुनिया से मुझको चुरा जा. जानती अभी क्या हो तू मेरे प्यार को, कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ये मेरी होके सबको बता जा. कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसे सबको, मेरे होके सबको बता दो, क्योंकि तू सबको मिलेगी नहीं, और अगर तू मेरे को मिल गई तो फिर मेरे जैसा है ही कौन. बहुत सही लिरिक्स. तुम देख लो है आखरी खेल मैंने, है ये बाजी, तुम्हें जीत लो खुद हार के, मैं बस रुका हूँ तुम कब हो राजी. भाई म्यूजिक बहुत ग्रूवी और हुक के पैसे, हुक मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से रील्स पे बजने वाला है. जहाँ है क्या जाना, तुम वहाँ पे रहती हो, वहाँ पे रहती हो. मैंने सुना है कि दिल को संभाले, तुम कब से यहाँ पे बैठी हो, यहाँ पे बैठी हो. जो खा चुका हूँ छोटे उनको तुम शफा कर दो, और निकल के तू सच में आ जा, इस दुनिया से मुझको चुरा जा. जानती अभी क्या हो तू मेरे प्यार को, कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ये मेरी होके सबको बता जा. बहुत सही.
स्माइल देख रहे हो क्यूड़ी? तुम देख लो है आखरी खेली मैंने है ये बाजी, तुम्हें जीत लो खुद हार के मैं बस रुका हूँ, तुम्हें जीत लूँ खुद हार के। एंड नाउ उसने बिट्रेयल मिल गया तो अब उसे हार के ये जीतेगा शायद। ये मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या फिर मेरे को ये फील आई, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस लिरिक्स से मैं दिस आई कैन मेक आउट कि वो कह रहा है कि मैं हार जाऊँगा तुझे जीत के, बट नाउ ही हैज़ लॉस्ट हर, तो अब किसकी जीतने की बारी है। खुद हार के मैं बस रुका हूँ, तुम कब हो राजी? चैप्टर टू द लास्ट सॉन्ग, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये गाना बहुत सही था, ऑल दो मुझे ऐसा लगता है कि वर्सेस कम थे, लेकिन भाई जो कोरस था ये आई एम 100% श्योर कि ये रियल मटेरियल है। तुम जो म्यूजिकलिटी है ऑल एंड ऑल, आई थिंक किंग डज जस्टिस टू इट एवरी फ्रीकिंग टाइम जब भी वो आता है। वीडियो क्वालिटी बहुत सही थी, थोड़ा सा मतलब समझ में आया, थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूजन है, थोड़ा से वही है कि धीरे धीरे करके अनफोल्ड होगी स्टोरी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट स्टोरी। चैप्टर टू कल या परसों आएगा, 13 तारीख है ना, 2-3 दिन बाद वो आ जाएगा, तो देखेंगे उसमें क्या है। फुल ऑन रील मटेरियल गाना है, फुल ऑन पॉप टच है, प्रॉपर रिटेंशन रेट इसका बहुत तगड़ा होने वाला है, हाई रहने वाला है। बहुत मज़ा आया मेरे को देख के गाना। ओनली कंप्लेन आई हैव इज़ कि थोड़े से वर्सेस और ज़्यादा होते, पर या तुम 2-2.5-3 मिनट के गाने से क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। थोड़ा सा स्लो था, डिफरेंट टेस्ट ऑफ द ट्रैक था, या तो तुम ये बोल सकते हो कि बाजी गाना सुन के ना आई वॉज होपिंग कि कुछ वैसा होगा जो किंग की बातचीत रहती है ना जैसे प्रॉपर, बट दैट्स ऑन मी, वो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। उस हिसाब से ये गाना बहुत अलग है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। 4 बार मैं मेंशन कर चुका हूँ, 5वीं बार और कर देता हूँ, कोरस के पैसे हैं बॉस। हुक बहुत प्यारा और बहुत बजने वाला है। सो दिस वॉज इट, दिस इज़ माई रिएक्शन, दिस इज़ माई रिव्यू। आई होप यू गाइज लाइक इट, इफ यू प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। When I saw you first time, babe, I chose you. Crossing all the borders so that, baby, I can be with you. Just trust the time, baby. Thoda sa sabr kar, jaise hua tera main, baby, hogi jaldi meri tu. Jaise hua tera main, jaise hua tera main, jaise hua tera main, jaise hua tera main. I chose you then, I choose you now, and I'll keep choosing you.